भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल के नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे के नेतृत्व में महापौर, कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि गीदम रोड में मार्गों के विकास के नाम पर रहवासियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ सभी कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। संजय पांडे ने ज्ञापन देकर कहा कि लोक निर्माण विभाग ने चौड़ीकरण की बजाय मार्गों का सकरीकरण कर दिया है। टाउन प्लानिंग की निर्धारित चौड़ाई के अनुसार कुछ वर्ष पूर्व इस मार्ग में तोड़फोड़ कर पर्याप्त चौड़ाई का निर्धारण किया गया था, परंतु यह समझ से परे है कि वर्तमान में बिना योजना के निर्माण हो रहा है। नाली भी आधे अधूरे सड़क पर बनाई गई है। क्या कार्य योजना है, ना तो इन वार्डों के पार्षदों को पता है और ना ही जनता को। नगर निगम की पाइपलाइन के ऊपर कभी नाली बनती है तो कभी पाट दिया जाता है। घटिया दर्जे के निर्माण से बनाई नालियों को बार बार तोड़कर बनाया जा रहा है। अमृत योजना की पाइप आज भी व्यवस्थित तरीके से नहीं लगाई जा रही है। एक तरफ रहवासी यहाँ कोरोना से बाहर नहीं निकल पाए हैं, दूसरी तरफ धूल ने जीना मुश्किल कर दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रगति पर जनता के लिए ना होकर के जिम्मेदार प्रतिनिधियों के जेब की प्रगति के लिए हो रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।